साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। आज एक रेस्क्यू कॉल आया है और हम लोग जा रहे हैं बांदा बस्ती, देखा जाए कौन सा सांप है। क्योंकि मॉर्निंग का वक्त है और आज इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं किस्मत जी है, और बड़ी किस्मत से किस्मत जी को हम पाए हैं। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहें। साथियों, ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, यानी हमारे धर्म गुरु हैं। जिस तरह हम लोग पंडितों का सम्मान करते हैं, उसी तरह हम लोग इमाम साहब का भी सम्मान करना चाहिए। सबको सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है सब भाई भाई। ये हम लोगों का नारा होना चाहिए हमेशा के लिए। और बांदा बस्ती में अपने आप में एक मिसाल है, और इमाम साहब के सूचना पर हम आए हैं। इमाम साहब चलिए जल्दी। अरे ये तो ढामन साफ है, ये तो हमारे इमाम साहब ने धर लेता बाबा, हमको क्या जरूरत था बुलाने का। जिंदा जिंदा है जिंदा। अरे ये ढामन साफ है, थोड़ा 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 हमारा एक हुक दीजिए। इमाम साहब आप आइए इधर आइए। नहीं नहीं अब निकालिए। अंदर खींच रहा कुछ, वो बिल है बिल के अंदर। नहीं नहीं ज्यादा का, तबीयत खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगा। बिल है। थोड़ा सा वो ट्रैक्टर में दब गया था, ट्रैक्टर में इसका मुंह दब गया था। हम लोगों का प्रयास है कि इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके बेटा डीन महलम ट्रैक्टर घुसा था ना। तो साथियों ये ढामन सांप है, और ढामन सांप जहरीले नहीं होते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग इंडियन रेड स्नेक, इंग्लिश में इंडियन रेड स्नेक, बंगला में दड़ास और हिंदी में ढामन कहते हैं। खास करके बांदा बस्ती के जो भी लोग हैं या हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो लोग सांप मारना बंद कर दिया है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि हमारे एरिया का लोग 10-20 किलोमीटर दायरे में सांप मारता ही नहीं। तो हम दिखलाना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसका मुंह पर कोई तरह का दबाव पड़ा है बेचारा का, इसलिए थोड़ा वीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मलहम पट्टी अगर बढ़िया से कर दिया जाए तो ये बच जाएगा। तो हमारा प्रयास है अभी तुरंत इसको बेटाडीन मलहम कुछ भी, खास करके इसको डिटॉल सेवलॉन से साफ सुथरा करके इसे बचाने का प्रयास करेंगे। कुछ बोलना है इमाम साहब? नहीं, ठीक है ठीक। चलिए इमाम साहब का प्रयास से और बाकी जितने भी लोग हैं इन लोगों का प्रयास से हम लोग एक सांप बचा लिए हैं। और एक दादा अभी तुरंत आए, आइए आप भी आइए, यहाँ आइए, कुछ बोलना है? चलिए कुछ नहीं बोलेंगे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे।